आज स्टडी करने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी करने से पहले हम इसमें कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने वाले हैं इसको देख लेते हैं। तो 1.1 में हम पढ़ेंगे पीओपी एंड नॉन पीओपी लैंग्वेज के होते हैं, यानी प्रोसीजर लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज आई थी, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर 1.2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। फिर 1.3 में ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस या क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। और ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के अंदर ही 1.4 में आता है फंक्शन मेंबर, कंस्ट्रक्टर एंड डी कंस्ट्रक्टर। एंड 1.5 में पैरामीटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास। 1.6 होना चाहिए यहाँ पास। तो 1.6 के अंदर हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, जो सबसे मेन टॉपिक है, जिसके अंदर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन आ जाता है। एंड 1.6 के अंदर हम स्टडी करने वाले एलिमेंट ऑफ ऊप्स। तो पीओपी एंड नॉन पीओपी लैंग्वेज है क्या। तो पीओपी का मतलब होता है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, यहाँ पास क्या कहते हैं, एक प्रोग्राम होता है जिसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रोकन करते हैं, तोड़ते हैं, और इसको सीक्वेंस बाय लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको लिख रहे होते हैं। पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। जैसे मैथ में एक नियम है, पहले जोड़ो, घटाओ, गुणा करो एंड भाग करो। तो ये मैथ का एक बहुत है स्टेप होता है, कि यदि एक क्वेश्चन है जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग है, तो पहले आपको क्या करना है, जोड़ करो, घटाना करो, है ना, फिर गुणा, फिर भाग करो। वैसे ही प्रोसीजर लैंग्वेज है, एक एक स्टेप को फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर सी आ जाता है, पास्कल, ये सभी आ जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस टाइम पे बने थे तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक थे। फिर इसके बाद एक कमी आई कि हम जो अचीवमेंट करना चाहते, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं जो प्रोसीजर लैंग्वेज पे ये संभव नहीं था। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक नॉन पीओपी लैंग्वेज को डेवलप किया। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब जब कोई एप्लीकेशन बनाया, कोई ब्रेक डाउन मिला, तो नया आविष्कार करना पड़ा। तो फिर आया नॉन पीओपी लैंग्वेज। तो यहाँ पास क्या किया गया, अब इस स्टेप को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, यहाँ पास सिर्फ स्पेसिफाई करेगा ओनली व्हाट टू डू, हमें क्या अचीव करना है उसे देखो, हाउ टू डू कैसे करना है वो मैटर नहीं करता। जोड़ घटाना गुणा भाग से यदि एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यदि आप उसका आंसर 5 पाना है, तो आप उसको जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग करो, कैसे भी करो, वो मैटर नहीं करता, बस आपका 5 आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर सुनने थोड़ा अजीब लगे, यदि हम इसको रियल लाइफ से देखें तो ज़्यादा से समझ पाएंगे। यदि मैंने बोल दिया एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जिसमें क्योंकि AI हम कोई चीज़ बोले और वो कंप्यूटर या वो एप्लीकेशन वो काम को कर दे, जैसे बोले कि मुझे बताओ कि कौन कौन सी जमीन का प्राइस कितना है, तो वो एप्लीकेशन बता दे। तो नॉन प्रोसीजर में सिर्फ इतना देखा जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो मैटर नहीं करता। यदि आपको एक एप्लीकेशन बनाने के लिए दिया गया, एक प्रोजेक्ट दिया गया है, तो आप उस प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, आप कैसे करते हो वो मैटर नहीं करता है। आपको यदि वेबसाइट बनाने को दी गई है ई कॉमर्स, तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ, आप चाहे उसको सी का उपयोग करके बनाओ, जावा का बनाओ, चाहे पाइथन का उपयोग करके बनाओ। तो ये होता है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। और यहाँ पास क्या जाता है, सी, जावा, पाइथन, एसक्यूएल, ये सारी चीजें यहाँ पास इंक्लूड हो जाती हैं। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पीओपी पढ़ा, प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होता है, प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होता है, यहाँ पास एक प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है और एक एक स्टेप करके उसको फॉलो करके एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में सी, पास्कल आ जाते हैं। फिर आता है नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, यहाँ पास क्या होता है, ओनली देखा जाता है कि व्हाट टू डू, आपको क्या करना है, ये स्पेसिफाई होना चाहिए। यहाँ पास ये नीड नहीं होती कि आप इसको कैसे करते हो, आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट दिएगा तो आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, उसकी परफॉर्मेंस वैसी होनी चाहिए, आप कैसे बना रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर आ जाते हैं सी, जावा एंड पाइथन। अब देखते हैं डिफरेंस पीओपी और नॉन पीओपी में क्या डिफरेंस होता है, मेजर क्या डिफरेंस है पीओपी और नॉन पीओपी में, जिससे हमें पता चलेगा कि नॉन पीओपी को बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो पीओपी प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम कंप्लीट किया जाता है, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है। सी, पास्कल, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
नॉन पीओपी में क्या करते हैं, व्हाट टू डू को केवल स्पेसिफाई किया जाता है, यहाँ पास नीड नहीं होती कि हाउ टू डू आप इसको कैसे कर रहे हो, इसके अंदर एसक्यूएल सी जावा पाइथन आ जाते हैं। अब पीओपी में प्रोसीजर लैंग्वेज में प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, इसलिए इसको अंडरस्टैंड होता है, इसको इजीली समझना और इसको इजीली राइट करना आसान होता है, इसको समझना आसान होता है, इसको लिखना आसान होता है। अब जो प्रोसीजर लैंग्वेज है वो कमांड बेस्ड कमांड बेस्ड लैंग्वेज है और नॉन पीओपी फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है। पीओपी मोर इफिशियंस है लेकिन नॉन पीओपी लेस इफिशियंस है, ज्यादा इफिशियंस नहीं होता। तो पीओपी है ये लार्ज साइज होता है, लेकिन नॉन पीओपी क्या होता है, ये लेस साइज होता है। नॉन पीओपी पीओपी जो होता है वहां पास नो ये सुटेबल नहीं होता क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए, बट जो नॉन पीओपी है ये जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है उसके लिए सुटेबल होता है। पीओपी जो होता है मोर कॉम्प्लेक्स होता है, बट नॉन पीओपी बहुत ज्यादा इजी होता है। जो पीओपी होता है यहाँ पर डेटा टाइप वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, बट जो नॉन पीओपी है यहाँ पर जो डेटा टाइप होता है और वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, बट जो पीओपी है वो कॉलोनी क्या रिटर्न कर रहा होता है, रिस्ट्रिक्टेड डेटा टाइप। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।